शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से कीर्ति, वरुण को कुछ नहीं होगा। पुलिस वरुण को लेकर आएगी। सुन रही हो तुम? चलो के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। क्या हुआ सुटू, फिर से रो रही हो अकेले? वरुण जी अब आ गए, वापस लौट आए हमारे पास। वापस लौट आए? स्वीटू मैं तो कब से यहीं पर हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये तोहफा तैयार कर रहा था तुम्हारे लिए। अच्छा है ना, तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगी इसे ढूंढने में। आप यहीं थे, फिर आपने हमें इतना परेशान क्यों किया? अच्छा ठीक है, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूंगा, माफ कर दो। कोई बात नहीं, हमने आपको माफ कर दिया। ये आप अपने हाथों से हमें पहना दीजिए। अरे इसमें क्या है, अभी पहनाता हूँ, चलो। बहुत प्यार करते, आप प्रॉमिस करिए हम हमें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी नहीं। वरुण जी कहाँ हैं आप वरुण जी वरुण जी कहाँ है? वरुण जी कहाँ है? वरुण जी इतनी गहरी खाई में बचना नामुमकिन है। नहीं, मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, यही है कहीं। आप प्लीज उसे ढूंढिए, और अगर आप नहीं ढूंढ सकते तो मैं अकेला ढूंढ लूंगा। कुछ नहीं हुआ उसे। अभय, कुछ नहीं हुआ भाई को। अभय, मत जाइए, खतरा है, रुक जाइए। अभय क्या कर रहे हैं आप?
अब है आपको कुछ हो गया तो मुझे भाई को ढूंढना। तो ये कह रहा है कि भाई बच नहीं पाया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए खाई बहुत गहरी है, प्लीज मुझे जाना, मुझे भाई को घर वापस लेके जाना, दाई जी के बाद कीर्ति के बाद। भाई हमें छोड़ के नहीं जा सकता मुझे। अब है संभालिए खुद को, अब है हम वरुण जी को ढूंढ लेंगे, इस तरह से आप अपने आप को टूटने मत दीजिए प्लीज। अब है वहां से छोड़ के नहीं जा सकता मैं, संभालिए खुद को, मुझे समझ आ। अबे संभालिए खुद को, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे श्रद्धा, श्रद्धा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे उसके पास जाना, मुझे उसके वापस नहीं कर रहा प्लीज। अब हम वरुण जी को ढूंढ लेंगे, लेकिन इस वक्त आप संभालिए अपने आप को, अब प्लीज। ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से भाई के साथ ये सब कुछ हुआ है। क्यों नहीं, आपने कुछ नहीं किया है। हम वरुण जी को ढूंढ निकालेंगे, देखिए ना पुलिस वाले भी उनको ढूंढने में लगे हुए, कुछ नहीं होगा उन्हें, अबे कुछ नहीं होगा उन्हें, भरोसा रखिए। अबे हम तब तक तलाश कर रहे हैं जब तक वो मिलना जाए। देखिए आप दोनों लोग घर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। नहीं जाऊंगा जब तक मेरे भाई का कुछ भी पता नहीं चल जाता, मैं कहीं नहीं जाने वाला। देखिए अभी बहुत वक्त लगेगा, रात भी हो सकती है, और यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, प्लीज। हमें भी घर चलना चाहिए, ताई जी को आपकी जरूरत है, हमें कीर्ति को मेरी जरूरत है, हमें खुद को संभालना होगा, हमें घर में सबको हमारी जरूरत है, प्लीज हमें चलिए। दाई जी आप तो पानी पी लीजिए। तुमसे मिलने से पहले ही मैं मर ही जाता हूं। मैं जाके आराम करूं, अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पे असर होगा बेटा। बुआ जी वरुण भैया के आरती बेटा चिंता मत कर बेटा, वरुण वापस आएगा, श्रद्धा और अभय उसे उसे लेकर ही आएंगे। वाले थे ना उन्हें, कहाँ पे बाहर है? वरुण जी, वरुण जी आ, 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 आ,
साथ लेके आने वाली थी ना, कहाँ है? अभय, वरुण के बारे में कुछ पता चला पुलिस से? पुलिस अभी भी वरुण जी को ढूंढ ही रही है। उसने कहा है कि जैसे ही वरुण जी का कुछ भी पता चलेगा वो हमें खुद फोन करेंगे। से तो ये बताइए, माता रानी पर भरोसा रखिए, वरुण जी जल्दी लौट कर घर आ जाएंगे। पक्का ना? हमारे वरुण वापस आएंगे ना? माफ नहीं कर पाऊंगी। श्रद्धा मुझे बचा लो, श्रद्धा, श्रद्धा बचा लो मुझे, श्रद्धा। वरुण जी कहाँ हैं आप? यहाँ बहुत अंधेरा है भाई, भाई। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, 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 भाई मैं आ गया हूँ। तू डर मत, हम साथ हैं तेरे। वरुण जी की आवाज तो सुनाई दे रही है पर वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? श्रद्धा मुझे बचा लो, श्रद्धा। तुम यहां देखो, मैं वहां जाके देखता हूं। वरुण जी, श्रद्धा मुझे बचा लो। वरुण जी, श्रद्धा मुझे बचा लो। वरुण जी, आप यहां हैं? श्रद्धा, हम यहां आ गए आपको साथ ले जाने। चलिए वरुण जी, वरुण जी चलिए, हम आ गए, चलिए घर चलते। वरुण जी, दुश्मनी तुम्हारी ही रोशनी के साथ, लेकिन मरा मैं। श्रद्धा तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मैं अपनी कीर्ति से दूर हो गया। इस सब की जड़ सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से मैं मरा था ना, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा।
मार डालूंगा तुम्हें। कीर्ति, कीर्ति, मार डालेंगे हम आपको। आपने हमसे हमारे वरुण जी को छीन लिया। हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी। आपने हमारे वरुण जी को हमसे छीन लिया। मरना वरुण जी को नहीं, आपको चाहिए। आपको मरना चाहिए। आपने हमारे वरुण जी को हमसे छीन लिया। अब हम क्या करेंगे? हाँ, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। रोशनी के कारण नहीं, आपके कारण मरे वरुण जी। हमारे दीदों ने हमारे पति का खून किया। हम आपको छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़ेंगे हम आपको। कीर्ति, छोड़ो श्रद्धा को। क्या कर रही हो तुम? श्रद्धा, श्रद्धा तुम ठीक तो हो ना? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या कर रही हो तुम? होश में भी हो? अपनी सगी बहन की जान लेना चाह रही हो तुम? कौन सी सगी बहन? किसकी सगी बहन? जिन्होंने हमसे हमारा सुहाग छीन लिया, हमारे माथे का सिंदूर मिटा दिया। ये सगी बहन नहीं है, ये दुश्मन है हमारी। दुश्मन है। कीर्ति, ये तुम क्या बोल रही हो? श्रद्धा क्यों वरुण की जान लेगी? क्योंकि मरना ना इन्हें चाहिए, इन्हें मरना था। पर हमारे वरुण जी ने ना इनके कारण बलिदान दे दिया। ये अभय और रोशनी के बीच में आई, ये रोशनी आपको मारना चाहती थी क्योंकि आपने उसका पर्दाफाश किया, उसे जेल भेजा। पर उसमें फंस गए हम और हमारे वरुण जी। इन सब में हमारे वरुण जी की जान चली गई। हम ना, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बताइए क्या कर रही हो? जिस तेजी से तुमने सारा दोष श्रद्धा पे डाल दिया, उसी तेजी से अपने गिरेबान में भी झांक के देख लो जरा। रोशनी को इस घर में वापस लेकर आई तुम, उसके हर बुरे काम में उसका साथ दिया तुमने। और मैं बताता हूं क्यों? क्योंकि तुम अपनी सगी बहन से बदला लेना चाहती थी। ले लिया बदला, तुम्हारे मन को ठंडक। तुम्हारे बदले की आग की वजह से आज मेरा भाई नहीं, जिम्मेदार हम नहीं है, ये जिम्मेदार आते हैं हम इनसे गुस्सा। पर हमने ना कभी इनको चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमने, आपने तो हमारा सुहाग ही हमसे छीन लिया, हमारे माथे का सिंदूर मिटा दिया। अरे ऐसी क्या नाराजगी थी आपको हमसे? आप क्या नाराजगी थी? क्यों किया आपने? नहीं की थी, ऐसा मत बोल। छोड़िए मैं जो ये मत, हमें आपके हाथ हमारे पति के खून से रंगे हुए हैं, छोड़िए मत। अपनी छोटी बहन को विधवा करके बहुत खुश होगी। कीर्ति, तुम्हारा ऐसी बातें कभी मत करना। वरुण जी जिंदा है, रोना मत कर कीर्ति। मेरी तरफ देख, कीर्ति, वरुण जी को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। मेरा दिल कहता है वो जिंदा है, और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है ना।
वो उन्हें ढूंढकर घर वापस नहीं आएगी। वरुण जी घर वापस आ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ है उनको। एक सगी बहन ऐसा कैसे कर सकती है? क्या कुछ नहीं किया तुमने कीर्ति के लिए? कितनी बार उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी तुमने, और आज आज वही बहन तुम्हारी जान के पीछे पड़ी है। नहीं, अब उसे आईना दिखाना होगा श्रद्धा। मैं कह रहा हूं तुम्हें श्रद्धा, कीर्ति को अकेला छोड़ना होगा, फिर उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी, तुम्हारे इस रिश्ते की अहमियत समझ में आएगी। कैसे अकेले छोड़ दूं मैं उसे? बहन है वो मेरी। इस वक्त भले ही वो मुझसे गुस्सा है, लेकिन उसे मेरी जरूरत है। मैं अपनी बहन को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ अब। और मैं उसकी बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं करूंगा। कीर्ति ने अपना पति खोया है। और मैंने अपना भाई खोया है। ताई जी ने अपना इकलौता बेटा, घर ने अपना बड़ा बेटा खोया, सिर्फ कीर्ति ने नहीं खोया, हम सब ने खोया है। श्रद्धा, किसी का भी दुख ना कम या ज्यादा नहीं होता है। अभय, आज के बाद ये ना आप और ना मैं, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हमने वरुण जी को खो दिया। वरुण जी जिंदा है, मेरा दिल कहता है कि वरुण जी जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो लौट के आएंगे, वो जिंदा है। अबे वरुण जी जिंदा है ना, जिंदा है ना वरुण जी। भाई को कुछ नहीं हुआ, वो लौट के आएगा हमारे पास, वो आएगा लौट। इंस्पेक्टर साहब, वरुण जी का कुछ पता चला क्या? बोलिए ना दीदू, कहाँ है वरुण जी? पुलिस को कोई मिला है जो बहुत ही जख्मी हालत में, पुलिस ने हमें वही बुलाया है। हमारे वरुण मिल गए, हम उन्हें लेकर आते हैं। आप वरुण जी को लेकर आएंगी ना? हमारे सर की कसम खाइए। मैं तेरे सर की कसम खाती हूँ कीर्ति, मैं तेरे वरुण जी को जरूर घर साथ लेकर आऊंगी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।